want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we must concentrate wholly and solely on the well-being of the people. रिवायात में जंजीर हमेशा मौजूद रही है। जितनी पुरानी रवायत है उतनी ही पुरानी जंजीर है, मरम्मत आप करवाते नहीं, भाई दो दफा पहले भी टूट चुकी है। मरम्मत की जरूरत जंजीर को नहीं फरियादियों को है, समझी तुम? मैं शहजादे से कह दूंगी कि एक जल्लाद इंसाफ की जंजीर पर भी मामूल कर दिया जाए। आओ शहजादे, देखिए समझा लीजिए अपने वजीर मोहतरम को। क्या हुआ लाते जिगर? हमने फरमाया कि अब हम भी अमूरे मुमलकत में हिस्सा लेंगे, तो कहने लगा पहले सही सही अमूरे मुमलकत निकल दिखाइए। हमने ऐन से अमूर निकला तो वो दाड़े मारकर हंसा। उसकी जगह ये ना भूलो वाली है कि शहजादे हमेशा जबानी गलती करते हैं, उनकी गलती अगर आता है तहरीर में आ जाए तो तारीख का हिस्सा बन जाती है। अब हम क्या करें, बस अलिफ और ऐन में अटक जाते हैं। परसों हमने अलिफ से आवाम लिख दिया था तो उस पर भी आपके दाना वजीर से एतराज हुआ था, कहने लगा आम और आवाम में बुनियादी फर्क है। सच कहा, आम ज्यादा नीचे होते हैं। नहीं, वो कह रहा था अलिफ से आम होता है और
शहंशाह आवाम होता है। होता होगा कभी, शहंशाह मौसम ने आवाम को ऐसा सीधा कर दिया है कि बिल्कुल अनिक हो गए वो। खैर, हम वजीर मोहतरम को तंबीह कर देंगे कि खाने की चीजों में इमले की दुरुस्ती पर जोर दे, मगर उसका यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तुम्हें उम्र ममलिकत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। जाओ, जाकर बाहर खेलो। आज शिकार पे नहीं जाओगे? नहीं नहीं, आज हम दरबार में जरूर बैठेंगे। मामू हजूर से तो उम्र ममलिकत में हिस्सा लेते हैं। मजबूरी है शहजादे, तुम हमारे बेटे हो और वो मलिका का भाई है। हम हाजिर हो सकते हैं? इजाजत। आदाब दूल्हा भाई हुजूर, आदाब। आदाब हमशीरा अजीजा, आदाब। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। रहे नसीब। और ये आप क्या कर रही हैं हमशीरा अजीजा? हम तो समझे थे कि आप चावल चुन रही हैं। अच्छा, क्या चुन रही हूँ मैं? ये मैं ही अच्छा सुना, अरंग निकाल दी। बहुत खूब दूल्हा भाई हुजूर, हमने आमाले हुकूमत को तनख्वाहें तकसीम कर दी है इजाफे के साथ, अब कुछ मजीद रकम दरकार होगी। क्या कह रहे हो बिरादर निस्बती? सुबह शाही खजाने से दो थैले अशरफियों से लबरेज ले गए थे तुम। तनख्वाहें जो अदा हो गई, अब तो हमारे पास चमड़ी तक नहीं बची। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हमारी तलाशी ले लीजिए। हमें तुम्हारी दयानत पर कोई शक नहीं, मगर तनख्वाह में इजाफे की क्या जरूरत थी? ये शहजादा मौजम का हुक्म था। इन्होंने फरमाया कि अहलकारों को तनख्वाहें ज्यादा दी जाए तो वो रिश्वत कम लेते हैं। ये तुमने कहा शहजादे? और इसरार है कि उम्र ममलकत में हिस्सा लोगे। ये कभी ना भूलो कि सरकारी अहलकारों को तनख्वाहें हम देते हैं और रिश्वत रियाया देती है। आप फिक्र न कीजिए दूल्हा भाई हुजूर, अहलकारों को जुर्माना करके तनख्वाहों में इजाफा बराबर कर दिया जाएगा। आप ये फहरिस्त मुलाहिजा फरमाइए इस माह के अखराजात की। तनख्वाह वजीर सकाफत 50 अशरफियां, दस्तखत मौजूद। तनख्वाह वजीर इत्तिलात 50 अशरफियां, दस्तखत मौजूद। और ये निशान अंगूठा किसका? वजीर तालीम का। अनु कहती हूँ क्या आपने शहजादे को वजीर तालीम क्यों ना बना दिया जाए? भाई काम तो कुछ है नहीं, दिल लगा रहेगा बच्चे का। नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ दरबार में बैठना चाहते हैं। आइए चलिए ना आप हुजूर। बहुत जिद्दी है हमारा वली है, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी नौजवानी में अपने अब्बा हुजूर से इसी तरह जिद किया करते थे कि तख्त सल्तनत पर बैठेंगे। तो फिर कैसे बैठे? हमशीरा, आज हम बहुत थक गए हैं। अरे कैसा हल्का हो गया है मेरा भाई, आओ दो घड़ी आराम कर लो। होशियार निगारू बरू शहंशाह मौजम तशरीफ लाते हैं। वजीर मोहतरम अलीजा, आज हम तखलिये में आपसे कुछ गुफ्तगु फरमाना चाहेंगे। हुक्म की तामील होगी अलीजा, लेकिन इंसाफ का वक्त हो गया है।
और आपका हुक्म है कि इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। बहुत हूं, तुमने सही याद दिलाया। हुजूर के इंसाफ पर आज ही एक ताजा कसीदा मौजूद हुआ है, अर्ज किया है। हमें तुम्हारा यार, एक तो हम इस दरबारी शायर से बड़े तंग हैं अब्बा हुजूर, जब देखो एक नया कसीदा लिख के ले आता। अंदाजे गुफ्तगू में दरबार के आदाब मरहूज रहे शहजादे। वजीर मोहतरम इस बात से शाकी हैं कि आप दरबार के आदाब से बेबहरा हैं। बहरे नहीं हैं हम, मगर कोई कब तक कसीदे सुने, हमेशा कसीदों में इंसाफ रह जाता है। इंसाफ होगा, जरूर होगा। ये कौन बूढ़ा पाबजौला? शायद कोई गलत फहमी हुई आलीजा, ये शहर के मकतब के सदर मुदर्रिस हैं। रहम फरमाइए आलीजा, मैं बेगुनाह। बेगुनाह? महल के जेर साया मदरसा बनवा लिया। और कहती हो मैं बेगुनाह हूं? मदरसा बहुत जरूरी था बहादुर, असल परेशानी की वजह तो महल है। जब कोई फरियादी महल में इंसाफ की घंटी बजाता है, बच्चे मदरसे में छुट्टी कर लेते हैं। खत्म हो गई। इस पर और कौन सी फर्द जुर्म आयद है दरोगा शहर? अलीजा, इस शख्स ने तबके उमरा के एक बच्चे को अपने मकतब में दाखिला देने से इनकार कर दिया था। इसकी ये जुर्म, हम ये क्या सुन रहे हैं वजीर तालीम? मैं ला इल्म आलम बना, ये मामला मेरे गोशे गुजार नहीं हुआ। माफ करता हूं अलीजा, सही दिशेर के भांजे पिछले इम्तिहान में नाकाम हो गए, लिहाजा इस शख्स ने उन्हें अगली जमात में दाखिला देने से इनकार कर दिया, जबकि ऐन उसी वक्त एक सब्जी फरोश का बेटा मकतब में दाखिल कर लिया गया। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। अत्यादब शहजादी, हम हुक्म देते हैं कई से शहर के भांजे को मकतब में दाखिला दिया जाए और सदर मदरस को जिंदा में। हुजूर के इंसाफ पर जो कसीदा मौजू हुआ था उसका मतला अर्ज करता है। चुपना हुआ तू, जाने देता कसीदा या हो गया इंसाफ का मलीदा। हद से ज्यादा आदाब दरबार महफूज रखे जाए। और आ नहीं जा, ये शख्स एक मशकूक सैयाह है। मशकूक सैयाह? ये कौन है वजीर सैयाह? ये मुमलिकत के हुदूद में परवाना राहदारी के बगैर दाखिल हुआ था आलमपना। मुझे नाहक पाबंद अंजीर किया गया है आलीजा। मैं मशकूक नहीं हूं, मौर्रिख हूं। मौर्रिख हो? खूब कोई तारीख अपने आप को दोहरा रही है। इल्म फन की शमा को परवाने राजदारी की जरूरत नहीं होती जिले इलाही। रोशनी से कौन कह सकता है कि वो घर की रोजन से बाहर न जाए। कहां से आए हो तुम? मुल्क खुदादास से, और अब मुल्क नेकाबाद का कर्ज है, वहां की तारीख लिखना चाहता हूं मैं। मुल्क नेकाबाद की तारीख लिखोगे? हमारी तारीख नहीं लिखोगे जी। तारीख के लिए माजी भी जरूरी है आलीजा, और एक मुअर्रिख के लिए उसका मुस्तकबिल भी जरूरी है, चाहे वो उसकी सांस का अगला ही लम्हा क्यों ना हो। लेकिन आलीजा, मैं तो वहां, तुम हमारी तारीख लिखोगे। वजीर मोहतरम, हम हुक्म देते हैं कि इस मुअर्रिख को शाही खिलत और सरकारी कलम इनायत किया जाए। हुक्म की तामील होगी आलीजा। दरोगा शहर, वजीर मोहतरम, इन्हें रिहा करके गोशाए तारीख नवीसी में पहुंचा दिया जाए। जो वाह, क्या शानदार तारीख लिखी जाएगी कि जितने शानदार कसीदे मैं लिखता हूं। मतलब आज जो कसीदा मैंने तहरीर किया है उसका मतला कुछ यूं है। मतला मतला मतला, अबे इंसाफ के बीच में अपना मतला मतला, इन कैदियों का क्या हश्र होगा, पह
पहले ये बतला, ये दोनों कैदी कौन है वजीर मोहतरम? आली शाह, ये दोनों झगड़ा करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। दरोगा शहर, इनकी फर्ज जुर्म शहनशाह के रूबरू पेश की जाए। शहनशाह मौजम, इनमें से एक शख्स किराएदार है और दूसरा मालिक मकान। मैं किराएदार हूँ हुजूर, किराया पाबंदी के साथ अदा करते हुए गुज़श्ता कई सालों से इसके मकान में रह रहा हूँ। आज नया तंदूर लगाने के लिए शहन में खुदाई कर रहा था तो यह सरफियों से भरा देचा निकला। ये देचा मुझे मिलना चाहिए पन्ना परवर। आलीजा मुलाहजा फरमाइए, सुबह से यही झगड़ा है। ये सब कहता है कि मालिक मकान है लिहाजा देखता उसका हुआ, ये सब कहता है कि किराएदार है कानूनी वकील है लिहाजा देखता उसका हुआ। अब ये आलीजा खुद फैसला फरमाए कि देखता किसका हुआ। इंसाफ होगा, जरूर होगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देखचा मालिक के मकान का है, लेकिन जो कानूनी वकील है उसका हक भी तस्लीम होना चाहिए। लिहाजा शाही खजाने से ऐसा ही देखचा अशर्फियों से भरकर इस किराएदार को बख्शा जाए ताकि ये भी इस खुशी से महरूम न रह सके। आलीजा, शाही खजाने से दूर होंगी महरूमियां और ऊपर से कहते हो कि उमूर मुमलकत में हिस्सा लोगे। अगर हम तो ये अर्ज कर रहे थे आलीजा, हमारा इंसाफ कहता है कि कभी लिहाजा अशर्फियों से भरा हुआ ये देखचा शाही खजाने में जमा किया जाए। मैं तारीख लिखता जाऊंगा। बहुत खूब, तो लिखवाया जाए। ये कलम तकल्लुम का मुंतजर है आलीजा। लिखो, शहंशाह के अहद में इंसाफ का दौर दौरा था। अहद में इंसाफ का दौर दौरा था। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। जाने दीजिए उस हिरन को, आपको देखते ही शिकार का नशा हिरन हो गया। कौन हो तुम? ऐसा ओछा निशाना लिया कि एक लका कबूतर मेरे हाथ से उड़ गया। क्या? वो कबूतर तो हमारा पसंदीदा कबूतर था इस शिकारगाह में, कैसे उड़ गया? कैसे? ऐसे ऐसे कोई शाही खानदान वाली हो सकती? आप कोई शहजादी वगैरह तो नहीं है? सही समझे हो तुम। सच्ची? आप शहजादी है? तुम कौन हो? वैसे तो मैं भी शहजादा हूँ, कुछ बीमार सीमार रहा हूँ। आप कहाँ की शहजादी है? मैं मुल्क नेकाबाद की शहजादी हूँ, शहजादे आलिफा जी। इस जंगल में अकेली कहाँ से आ गई? लफंगा बनने की कोशिश न कीजिए शहजादे, वालिदे मोहतरम और एक महाफिज मेरे हमरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लीजिए वो आ गए दाएं घोड़े पर, वालिदे मोहतरम तशरीफ फरमा है। ऐसे आपस की बात है, उनसे तारुफ अच्छे लफ्जों में कराना। ये मजमान कौन है शहजादी? अबू हुजूर, ये भी शाही खानदान के किस्म चराग है। चराग क्या जी, बस कुप्पी समझ लीजिए जी। हमसे मिलिए, हम हैं इस मुल्क के होने वाले बादशाह सलामत। होने वाले बादशाह? अब्बा हुजूर को
बहुत जान लेवा बीमारी सभी को तजवीज की है। अगले मौसमी बाहर तक आपकी उम्मीद है, जब तक आप हमें वली अहद कह सकते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर वली अहद सल्तनत। आप शायद यहाँ शिकार खेलने आए थे। जी हाँ, मगर आप हमारी सल्तनत में कैसे? मैं और शहजादी सरहदी इलाकों का दौरा करने निकले थे, एक रास्ता भूलकर इधर आ निकले। भूले से आए होंगे, वरना हमारे मुल्क में तो कोई बादशाह आता ही नहीं है। जब ही तो अब्बा हुजूर कहते कि जो बादशाह मिले पकड़ के ले आओ। मेहमान के तौर पर अगर आप अपनी खुशी से नहीं जाएंगे तो अब्बा हुजूर आपको गिरफ्तार करके मेहमान बना लेंगे। उनका उसूल है कि मौजूद मेहमान के पास जितनी रकम हो वो नजराने के तौर पर जबरदस्ती वसूल कर लेते हैं। हमने ये हकीर नजराना कबूल किया मेहमान अजीज। शुक्रिया। अगर मैं आपकी मेजबानी का शर्फ हासिल करने के लिए इस मुल्क में आया होता तो हस्ब मरातिब तोहफे जरूर लाता। चलिए अगली बार सही। जी गालिबन ये मुनक्कश बाजूबन आप देना भूल गए। जी 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 हाँ जी 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 हाँ। हम ये समझने से कासिर हैं मेहमान कि आप सिर्फ एक गुलाम और शहजादी के साथ अपने मुल्क के दौरे पर निकल खड़े हुए, न हम सफर खुदाम न महाफिजों का हुजूम। जी वो जिस बादशाह से रियाया मोहब्बत करती हो तो वो खुद उसकी महाफिज होती है। नादान मौर्रख, हमने तुम्हें अपनी तारीख लिखने पर मामूर किया है, दूसरों की नहीं। हमारी तारीख में सिर्फ हमारा जिक्र होगा। सिर्फ अपनी ही तारीख में नहीं हुजूरे वाला, आपका जिक्र तो पूरी तारीख आलम में होगा। ये अमन व अमान, ये खुशहाली, ये इंसाफ, और इस इंसाफ पर आज ही मैंने ताजा कसीदा लिखा है। मतला अर्ज करता हूं, अगर फिर तू आ गया ये सुराही मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा। अगर कसीदा पढ़ा तूने तो हज्जा जब गुस्ताख शहजादे। हम ये महसूस कर रहे हैं कि तुम आजादी मजलिस फरामोश कर रहे हो। यह हमारा दरबार है, यहां कसीदा गोई भी होगी और मौसीकी भी। मुगनिया हाजिर हैं शहंशाह मुअज्जम। ये हमारे मुल्क की सबसे मुमताज मुगनिया है। अक्सर जब हम शगले दरबार से थक जाते हैं तो इसकी आवाज हमें गहरी नींद सुला देती है। मेहमान अजीज, क्या मौसीकी के बगैर आपकी आंख लग जाती? जी रियाया से हटे तो कहीं और लगे, जाती रातों में उन्हीं के मसाइल नजर के सामने रहते हैं। नजर बंदूर यानी खास नजर बंद हुक्मरान है। नगमा नजर समाप्त किया जाए। नैना
माफ कीजिएगा मेहमान अजीज, आपने मुगनिया को जो नवाजा है वो आपके शाया निशान नहीं। मुझे तो कोई गरीब से बादशाह लग रही है, मेरा मतलब है गरीब वतन। पहली बात ज्यादा दुरुस्त है शहजादे, लेकिन एक बादशाह की गुर्बत से क्या आपको ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी रियाया कितनी खुशहाल होगी। ये आपका इंकिसार है आली मर्तबत। शहनशाह आली कदर जानते हैं कि असल तोहफे तो आप सही मौके पर इनायत करेंगे। सही मौके? सालगिराह वगैरह इस महल में बहुत तकरीबात होती हैं। मसलन आज शाम शहनशाह आली कदर की 36वीं शादी की 32वीं सालगिरह है। और हमें यकीन है आपका तोहफा काबिले दीद होगा। तोहफा? मलिका आलिया की आरामगाह, ये है शहजादी मुहतरमा। तशरीफ लाइए। मादरी शहजादा कहाँ है? उनके लिए फूलों का गुलदस्ता बनाए हैं मैंने। वो गालिबन कनीजों को फटकाते गई होंगी। शहजादी आप कहीं तो ये गुलदस्ता हम कबूल कर लें। आप? हाँ, हमें गुलदस्ते बहुत अच्छे लगते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि हमारे घर के चमन में आज तक कोई फूल नहीं खिला। ये ममता से महरूमी है या सिर्फ एक शायराना तशबीह? आप नहीं समझिए, हम जमालिया का बड़ा आला जौक रखते हैं। तभी तो हम शिराजीदा कई बार इकरार कर चुके हैं कि हम अपने चेहरे पर चेहरे के फूल खिला लें। तो आप उनकी इस ख्वाहिश से गुरेजा क्यों है? फूलों से हमदर्दी? आप नहीं समझी, हमें आज तक वो दोशीजा दस्तियाबी न हो सकी जो हमारी समझी हमें आज तक वो दोशीजा दस्तियाबी न हो सकी जो हमारी तरह उसने फितरत की दिलदादा हो। हमने सुना है आप भी हमारी तरह उसने फितरत को पसंद करती हैं। सर सुना आपने, मैं तो जान देती हूँ फितरत पर। पहाड़ वादियाँ सब्जा मेरी कमजोरी है। लहलहाता सब्जा और हरी हरी घास पर जुगाली करते हुए तुम्बे बकरे। ये घास और बकरे इतनी अच्छी गुफ्तगू में कहाँ से आ गए शहजादी? हाँ तो मैं ये कह रहा था शहजादी, हमारे और आपके ख्यालात आपस में कितने मिलते हैं। काश ऐसा हो कि हम और आप भी। जी, कुछ और कहने से पहले कई बार सोच लीजिए। ये हम नहीं कह रहे शहजादी, ये हमारे दिल की पुकार है। ये हमारा वो जज्बा है जो आपको आवाज दे रहा है। अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर, अम्मी मम्मी हुजूर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारे अब्बा हुजूर का कमरा है, ये हमारी हम शिराजी का कमरा है। तो फिर मैं यहाँ कैसे? शहजादी, आप हमेशा दखलंदाज माकूलात करते हैं। हम आपकी शिकायत करेंगे हम शिराजी। और आप भी ये गुल खिलाने से बाज आ जाइए, वरना हम अब्बा हुजूर से कह देंगे। क्या कह देंगे? यही कि आइंदा वो आपको बिरादर निस्बती न कहा करें, बल्कि उस आसान लफ्ज से पुकारें जो ज्यादा मुस्तहमल है। ओह शहजादी, शहजादी, शहजादी। प्रोग्राम का काम लगवा दिए। हद तो ये है कि आज की सालगिरह के लिए हमें अपने दोनों घोड़े बेचना पड़े। खुदा जाने इस मुल्क के मेहमान वापस कैसे जाते होंगे। बड़ी ज्यादती है ये। ऐसी वैसी दुनिया अपने मेहमानों की खातिर मदारात करती है, हमारे मेजबान ने सालगिराहों पर रख लिया है हमें। बस बहुत हो चुकी, अब आप शहंशाह से कह दीजिए कि हमें सरहद तक पहुंचा दिया जाए। हम गरीब मुल्क के बादशाह हैं शहजादी, सरहद का जिक्र किया तो वो अपने मुल्क की सरहद हमारे महल के दरवाजे तक ले आएंगे। तो यहाँ कयाम का सिलसिला कब तक चलेगा? फिलहाल तो
سالگرہوں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ان کا برادر نسبتی معروض ہوا کہ کل ان کی تخت نشینی کی سالگرہ. شہنشاہ کی تخت نشینی کی سالگرہ پر ملک نیک آباد کے بادشاہ بطور خاص تشریف لائے. ہمارے ہرزیل عزیز شہنشاہ نے شہر پناہ پر ان کا استقبال کیا. 21 توپوں کی سلامی دی گئی. پھر شہنشاہ نے مہمان بادشاہ کو قیمتی خلعت اور جواہرات سے نوازا. یہ کیا کوئی غلطی عالم بنا؟ ایک لفظ جتنے سے رہ گیا. نادر نادر جواہرات سے نوازا. آپ کے حسن بیان میں کلام نہیں ہے علی جان. قصور میری سماعت کا ہے. یہ لفظ ابھی لکھ دیا جائے گا. اور ہمارے انصاف کا ذکر بھی ابھی تک نہیں آیا. وہ تو کئی دن پہلے کا ڈکٹیشن ہے علی جان. اس کاغذ پر خون. ملک سے شہنشاہ کا انصاف دور دور تھا. کیا یہ کیا لکھنے سے گستاخی کی ہے تم نے؟ ہم نے لکھوایا تھا کہ ملک میں انصاف کا دور دورہ تھا. دور دورہ اور دور دور کے فرق سے واقف نہیں ہو تم؟ چاند کی امان چاہتا ہوں جہاں پنا. یہ لاشعور کی غلطی ہے. انصاف کا دور دورہ اس صاحب کتابت سے دور دور ہو گیا. رحم رحم جہاں پنا رحم. ٹھہرو ابھی تاریخ مکمل نہیں ہے. اپنے لاشعور کو قابو میں رکھو مورخ. لاشعور کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے. ذہن کا دماغ سے. دماغ کا سر سے. اور سر کا تن سے. سر تسلیم خم ہے علی جان. پھر سالگرہ چھٹی سالگرہ. اب کیا رہ گیا ہے جو بیچے تمہارا زیور اپنے گھوڑے واپسی کا دادے راہ کچھ بھی تو نہیں رہا. اجنبی بادشاہ کو تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا ابو حضور. ہمارا کیا ہوگا؟ خدا ہی جانے کیا ہوگا. کل سالگرہ میں تحفہ دینے کے لیے ہمیں اپنا شاہی لباس تک بیچنا پڑا. خوشحال نہ رہی تھی محبت کا کیا تھا مگر اب تو نوبت ہمارے تاج تک آ پہنچ گئی. شہنشاہ راہداری میں ملے تھے. فرمانے لگے یاد نہیں آ پر سو کس کی سالگرہ ہے مگر ہے ضرور. یہ کہتے ہوئے ان کی نگاہ ہمارے تاج بھی لے لیں گے. تاج پر ایک بات ٹل جائے تو غنیمت ہے ورنہ وہ تو کئی چھوٹے ملکوں کے علاقے بطور نظرانہ زبردستی وصول کر چکے ہیں. ہمیں یہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہیے حضور. اور مجھے تو شہزادے ان کے ماموں کی طرف سے بھی بہت پریشانی ہے. وہ دونوں کے دونوں دونوں کے دونوں دونوں ایک الگ اور دو بیمار ہیں. یعنی بھانجے بھی جاتے تو امیدوار ہے اور ماموں بھی. تمہیں کس نے بتایا؟ شہزادہ موزم نے اور مامو حضر نے. دونوں ایک کافی رقم علاج سنوائی ہے اور تاکید کی ہے کہ شہزادی محکمہ سے میں خوب ان کی تعریف کروں. اسے تمہارا کیا خیال ہے؟ شہزادی کی شادی کسی ہوگی؟ شہزادے سے یا ان کے مامو سے؟ ماموں کا پلہ بھائی ہے. امور سلطنت میں دخی ہے اور ملکہ بھی شہید بھائی بھی ہیں. ہرگز نہیں شہزادے کی شادی ہوگی. لکھ لو میری بات. آخر کو وہ ولی عہد ہیں شہنشاہ معظم کے تخت اور تاج کے وارث. ہم آ رہا ہے. جی آپ یہاں. آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں؟ جانے کا بات ہے. بیٹھے بیٹھے بائیں پہلو میں گولا سا اٹھا اور پھر اور پھر تین ہچکی آئیں. سنا ہچکی آئے تو کوئی یاد کرتا ہے؟ جی ہاں. کون؟ طبیب. دیکھیے شہزادی ہم سے مذاق مت فرمائیے. ہم بہت سنجیدہ ہیں. اور میں سرکت پر رنجیدہ ہوں. یوں کسی کی خلبت میں تنہا چلے آنا آپ کو سیب نہیں دیتا شہزادے. یہ تنہائی اور کتنے دن کی ہے؟ شاہی نجومی نے تو آپ کی اور ہماری شادی کا ذائچہ تک کھینچ دیا ہے. اور اگر یہ ذائچہ غلط نکلا تو ہم نجومی کی کھال کھینچ لیں گے. ویسے احتیاطاً ہم نے آپ کو کل خواب میں دیکھ لیا تھا. آپ فرما رہی تھی کہ آپ کو شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کہہ رہی تھی. اور آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ بغیر اجازت آپ مجھے خواب میں دیکھیں؟ جب ہی تو گڑبڑ ہو گئی آخر میں. وہ خواب بہت بھیانک ہو گیا تھا. بھیانک؟ جی ہاں. مگر شروع کا منظر ملاحظہ فرمائیے.
نہایت حسین موسم تھا, چاروں طرف نیلے نیلے, پیلے پیلے, گیلے گیلے بادل تیر رہے تھے. ہم اور آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک رنگین پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے. وہ پگڈنڈی ایک خوفناک غار کے دہانے پر آ کر رکی, اور غار میں ایک دروازہ تھا. دروازہ غار میں؟ جی ہاں. پھر اچانک دھواں پھیلا اور دروازے کا پردہ ہٹا, پردہ ہٹا, اور اس دروازے پر ایک بھیانک چہرہ نمودار ہوا. ماموں وہی تو, ان کے علاوہ بھیانک چہرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ماموں اوہو, ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے ہماری چاہت کا دشمن؟ پھر وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. بولے آداب آداب آداب. اور پھر غرا کر کہنے لگے, کیا ہو رہا ہے یہاں, کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ابے چکنا یار, تو ہم نے کہا دیکھیے مامو, مامو مامو آپ کی یہ حرکت, ہم آپ کی شکایت کریں گے شہنشاہ معظم سے. اس تاج میں سے قیمتی جواہرات شہزادی نے نکال لیے, اب انہیں بیچنا ہے. کس لیے؟ وہ قیمتی جواہرات بیچ کر ہم گھوڑے اور سفر کا ساز و سامان خریدیں گے, اور رات کی تاریخی میں اس ملک کی سرحد سے باہر نکلتا ہے. یہ قیمتی جواہرات بیچنا میرے بس کی بات نہیں حضورے والا, آپ خود ہی یہ سودا فرمائیے. مجھے اگر کسی نے چور سمجھ لیا تو یہ چور ہے. میں چور نہیں ہوں, میں بادشاہ ہوں. آپ نے دیکھا علی جان, اس کی شکل آپ کے مہمان بادشاہ سے ملتی ہے تو اس نے کتنا فائدہ اٹھایا. یہ شہر کے جوہری کے پاس چوری کے جواہرات بیچتا ہوا پکڑا گیا ہے. وہ جواہرات میرے ہیں, میں بادشاہ ہوں. بہت ہوں بادشاہ اور اس حلیے میں تم دھوکے دار. یہ آپ ہمارے شہنشاہ معظم اپنے اپنے مہمان کے لیے. ہمارا مہمان دھوکے باز نہیں ہوتا, وہ بڑی ایمانداری اور بہت خلوص کے ساتھ اپنا تاج ہمارے حوالے کر دیتا ہے. اور تم لے جاؤ اس دھوکے باز بے روپیے کو, اور جواہرات شاہی خزانے میں جمع کر کے اسے زندہ میں ڈال دو. امی حضور کچھ کیجیے, للہ آپ کچھ کیجیے. ابا حضور نے ہمارے ہونے والے سفر کو زندہ میں قید کر دیا ہے. ہمشیرہ, اب آپ ہی شہزادی کے والد کو زندہ سے نکلوا سکتی ہیں, ورنہ شہزادی اس حالت میں ہم سے کیسے شادی کرے گی؟ خاموش رہیے, شادی ہماری ہوگی. ٹھہرو, جو بھی ہوگا انصاف ہوگا. تم دونوں میں سے شہزادی کی شادی کس سے ہوگی, اس کا فیصلہ شہنشاہ محرم کریں گے. شہنشاہ کے انصاف کے ڈنکے دور دور پٹ رہے تھے. اور کیوں نہ پٹتے, شہنشاہ نے فریادیوں کی سہولت کے لیے محل کے دروازے پر انصاف کی زنجیر لٹکا رکھی تھی. جو ہی زنجیر ہلتی گھنٹی بجنے لگی. شاید انصاف کی زنجیر آپ کے انصاف کا بوجھ برداشت نہ کر سکی. آپ کا مجرم گرفتار ہونے سے پہلے ہی رہائی پا گیا عالم بنا. تاریخ لکھوانا
दूभर कर दी है इन फरियादियों ने। कैसी आवाज है मौलक? शायद इंसाफ की जंजीर आपके इंसाफ का बोझ बर्दाश्त ना कर सकी। आपका मुजरिम गिरफ्तार होने से पहले ही रिहाई पा गया आलमपना। This great state of Pakistan happy and prosperous, we must concentrate wholly and solely.